नमस्कार, जय माता दी। तो आज एक बार फिर से यहाँ हमारे बनी के सरथली इलाका में एक फायर इंसिडेंट हुआ है, और जैसे कि माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये फायर विक्टिम के लिए जो एड का शुरू किया है, उसमें आज दूसरे टाइम यहाँ ढग्गर के बाद सरथली में माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट की टीम हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर नीलकंठ की क्यादत में यहाँ मौका वारदात पर पहुँची है। कमरदीन जी, हमारा ट्रस्ट इतना भी काफ़ी मतलब वो नहीं है, बड़ा नहीं है, बट जितनी भी हमारे से हेल्प हो सकती थी, हमारे चेयरपर्सन श्री गौरी शंकर जी जिस दिन ढग्गर में इंसिडेंट हुआ था वहाँ से वापस जाते हुए हमें इंफॉर्मेशन मिली कि सरथली में भी आग लगी है। तो आग लगने के फौरन बाद उन्होंने एक कमेटी बुलाई जिस जहाँ जितने भी रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ से कन्फर्म किया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आप जाते समय वो आना भी चाहते थे, आपको भी पता है कि हमारा कैंप चल रहा है जम्मू में फ्री आई सर्जरी कैंप, तो वहाँ से उनको फुर्सत ना मिल पाए तो उनके बिहाफ आप और बाकी जितने भी हमारे ट्रस्ट मेंबर हैं उनके बिहाफ आप आपको ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। आपका जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, बट जितना भी पॉसिबल था हमने अपने सभी 450 मेंबर के बिहाफ आप आपको दिया है। जो जिन घरों में आगजनी हुई है, चाहे वो ढग्गर का मसला हो, चाहे और पंचायतों का मसला हो, या इस गति पंचायत का जो मामला है, मैं अपनी तरफ से ये जो दौला माता की जो कमेटी है जो गरीब परिवारों के लिए सहायता के लिए आगे आती है, हर बार आती है, जैसे कि नौजवान लड़कियां होती हैं, कई लोग गरीब होते हैं उनकी शादियां वगैरह करवाती हैं फ्री, जो ये आई कैंप लगाती है। तो ये जो आगजनी के मसले में हाल ही में चंद रोज़ इस कमेटी ने जो फैसला लिया कि जहां भी इस किस्म के जो हादसे होंगे तो ये कमेटी जो है उन पीड़ित परिवारों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद देगी, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है उन पीड़ित परिवारों के लिए जिनके पास उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि घर भी नहीं रहने के लिए होता है। तो मैं अपने ओर से इस तंजीम का, इस कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो इनका सामान था, जितना भी दो तीन कमरों में, वो सारा जल के राख हो चुका है, जिसमें बर्तन वगैरह, नोटबुक्स वगैरह और दुकान का जितना भी सामान होता है इन्होंने यहाँ स्टोर करके रखा हुआ था, तो वो जल गया है। साथ में दो तीन कमरे भी जल चुके हैं। तो मेरी सभी देखने वालों से यही अपील रहेगी कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, और ऐसे हादसों से शिकार हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद, देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।